वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एमएसजेड क्लासेस। मैंने अपने ट्राइंगल पार्ट वन और पार्ट टू में आप लोगों को ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज सिखाई थी, बताई थी वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आज उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री देन व्हाट इज एंगल वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको करने के लिए सीधा सा आप छोटा सा एक ट्राइंगल बना लीजिए। सपोज कीजिए दिस इज ए बी सी, तो गिवन है यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, इसलिए। और यहां पर एंगल बी हमें 65 दिया हुआ है, दिस इज एंगल बी, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। तो हम इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की जो मैंने आपको बताई थी यूज करेंगे। पहली कि इंटीरियर एंगल का सम ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री और इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, अगर इसके अपोजिट एंगल ए है, ये वाला दिस इज एंगल ए, सपोज कीजिए दिस इज इक्वल टू एक्स डिग्री, देन ये साइड साइड के इक्वल है। इसके अपोजिट ये एंगल है सी, यहाँ पर ये एंगल सी है, तो इसकी वैल्यू भी एक्स डिग्री होनी चाहिए। तो अब हमें दो एंगल पर तीनों एंगल पता लग गए, और अब हम इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। Therefore, हम यहां पर कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। एंगल ए इज एक्स, एंगल बी इज 65, एंगल सी इज एक्स, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। सो 2x, यहां पर ये x, ये x मिलकर 2x हो गए, प्लस 65 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर 2x is equal to 180 minus 65, that is equal to 115 degrees. Therefore, x is equal to 115 upon 2, that is equal to 2 5 the 10, 2 7 the 14, 2 5 the 10, इतने डिग्री हुआ यहाँ पर x की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि एंगल A की वैल्यू 57.5 degrees हुई, और एंगल सी की वैल्यू भी उतनी होगी, दैट इट विल आल्सो बी इक्वल टू 57.5 डिग्रीज, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। देयरफॉर यहां पर आपको ये ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो ये मैंने यहां लिख दिया है, वो कहता है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड, ध्यान दे रही क्या कह रहा है, इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड एस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन ई में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो लेट अस मेक फर्स्ट द ट्राइंगल, सो लेट अस मेक दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहली बात, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ये हो गया ई और ई हो गया यहां पर एफ, मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स। यहां पर हमें दिया है ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, सो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। सो अगर इसका ये मिड पॉइंट है, तो यहां से आपका ए ई मस्ट बी इक्वल टू ई बी एंड ए एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ सी, ऑल्सो ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये भी इसमें होगा, चूंकि दोनों साइड ए बी एंड ए सी आपस में क्या है, इक्वल है। अब मैं अपोजिट वर्टिसेस से इसका ये लाइन खींच लेता हूं बी एफ, ये मैंने लाइन बना लिया यहां पर। अब इसके अंदर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल में कंसीडर करता हूं, कौन कौन से। पहला ट्राइंगल मैं इसके अंदर कंसीडर करता हूं आपका ये वाला, ये वाला
और दूसरा ट्राइंगल मैं कंसीडर करता हूं इसके अंदर ये वाला। तो पहला ट्राइंगल मैंने इसके अंदर कंसीडर किया ए बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ, एंड ट्राइंगल कौन सा मैंने कंसीडर किया ए सी ई। देखिए इसके अंदर ये ट्राइंगल है, ये साइड है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है, और इन दोनों के बीच में ये आपका एंगल है ए। सो यहां पर आपका एस ए एस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमें क्या होगा, ट्राइंगल ए बी एफ एंड इस कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल ए सी ई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गुरेंट हो गए। और जब ये कॉन्गुरेंट हो गए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इन दोनों के बीच में आपका ट्राइंगल है, ये कॉन्गुरेंसी सीपीसीटी से प्रूव होती है कि आपका बी एफ मस्ट बी इक्वल टू सी ई, देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू सी ई। देख लीजिए आपको क्या है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर बस हमें ये देखना है। और वैसे भी ध्यान रखिए कि आपका ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गई, आइसोसेलिस ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल पर मैंने इसके अंदर मिड पॉइंट लिया है, तो ये मीडियंस भी आपस में इक्वल होंगी, ये मीडियन होगी, बी एफ और सी ई दोनों मीडियंस है, क्योंकि आपको इनको ई एंड एफ पॉइंट पर मिड पॉइंट से मिला है, तो ये मीडियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए डियर स्टूडेंट थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। इन विच ही सेज दैट इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ डी इज इक्वल टू क्यू आर, ई एफ इज इक्वल टू पी आर, एफ डी इज इक्वल टू पी आर, देन इन तीनों में से कॉन्गुरेंसी जो होगी किस ट्राइंगल की होगी। इसमें ट्राइंगल तो ये दो ही है लेकिन इसके अंदर नाम अलग अलग लिए गए हैं, तो हमें एक्चुअली नाम उस तरह से लेना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से मैच करे, तो हमें वही चीज बनानी है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे दो ट्राइंगल हैं, पहला ट्राइंगल है डी ई एफ। अब हमें इसके अंदर देखना है कि डी इज इक्वल टू क्यू आर, डी ई हमारे इसके अंदर है, तो दूसरा ट्राइंगल जो हम बनाएंगे यहां पर ये क्यू आर होना चाहिए, हमने यहां पर क्यू आर लिख लिया। अब ई एफ, ई एफ हमारा ये है, और पी आर यानी कि हमारा कोई पॉइंट थर्ड जो पॉइंट है यहां पर ये पी है, इस तरह से ये आपका पी आर हो गया, और तीसरी साइड इस ट्राइंगल की ये हो गई। अब चूंकि इसमें कॉन्गुरेंसी हमें दिखानी है तो ये हमारा इस तरह से होना चाहिए कि जैसे हम हाफ शीशे के ऊपर रखें तो ये ओवरलैप कर जाए, यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा करके इस ट्राइंगल के ऊपर रखू, या इस ट्राइंगल को उठा करके इस ट्राइंगल के ऊपर रखू, तो एग्जैक्टली साइड्स मैच होनी चाहिए, तो हम उस हिसाब से इसका नाम लिखे हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए इसके अंदर, इसमें दिया है डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ, और दूसरा नाम दिया है इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें पहली साइड कौन सी है, डी ई है, तो डी ई पहली साइड इसके अंदर ये है, इसके अंदर पी क्यू साइड है पहली, तो इसके अंदर पी क्यू साइड कौन सी हमारी, पी क्यू साइड हमारी इसके अंदर ये वाली आ रही है। अब ये साइड तो आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी इस तरह से थोड़ी स्लांट है, तो ये साइड इस साइड से मैच नहीं कर रही है, जब आप इस ट्राइंगल को उठा करके इस पर रखेंगे तो ये साइड इसके ऊपर मैच नहीं होगी, तो इसलिए हमारा इसके अंदर ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा इसके अंदर ये वाला ऑप्शन इसके अंदर मैच नहीं करता। दूसरा देखिए, दूसरा इसके अंदर दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल इसके अंदर दिया है ई एफ डी ई। अब इसके अंदर देखते हैं, पहली साइड है पी क्यू, तो साइड इसके अंदर हो गई आपकी ये वाली पी क्यू जो मैंने लाल से मार्क की, और इसके अंदर साइड दी है एफ डी, एफ डी इसके अंदर ये साइड है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को इस पर या इस ट्राइंगल को इस पर, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में मैच करेगी एज ए मिरर इमेज।
अब इसके अंदर दूसरी साइड है क्यू आर, इसके अंदर है क्यू आर ये, और इसके अंदर डी ई, डी ई ये है, तो ये वाली साइड भी इससे मैच करेगी जब मैं इसको इसके ऊपर उठा करके रखूंगा या मैच करूंगा। तीसरी साइड इसके अंदर है आर पी, इसके अंदर है आर पी, कौन सी साइड है आर पी, ये साइड है, सपोज कीजिए मैं इस पर ये मार्क लगा देता हूं, और इसके अंदर ई एफ, इसके अंदर है ई एफ, तो ये साइड भी इसके ऊपर मैच करेगी अगर मैं इसको उठा करके इस पर रख दूं। तो ये वाला ऑप्शन की साइड्स जो है आपस में सिमिलर साइड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, तो ये ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो सकता है। लेट अस चेक थर्ड, इसके अंदर कहता है ट्राइंगल ई डी एफ, ई डी एफ ट्राइंगल इज इक्वल टू या सिमिलर टू, और दूसरा ट्राइंगल दिया है इसके अंदर ट्राइंगल आर पी क्यू। अब इसके अंदर मैच करिए, ई डी साइड कौन सी है, ई डी साइड ये है, और इसके अंदर दूसरे ट्राइंगल में आर पी है, तो ये साइड आ रही है इसमें ई डी, ये वाला थर्ड ऑप्शन के लिए बनाया, और इसके अंदर आ रही है आर पी, ये आ रही है आर पी, ये वाली, तो ये इधर मैच नहीं करेगी, तो पहली बार भी हमारा इसके अंदर निकल गया ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा इसके अंदर ट्राइंगल पी क्यू आर, और इससे मैच कराया है इसने ट्राइंगल ई एफ डी, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो पी क्यू साइड हमारी कौन सी है, पी क्यू साइड इसके अंदर है हमारी ये वाली, सपोज कीजिए ये वाली, मैंने इसके अंदर एक क्रॉस का निशान लगा के बनाया, और इसके अंदर है ई एफ, यहां पर कौन सी है ई एफ, ये वाली साइड की बात कर रहा है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को उठाकर इस पर रखूं इस तरह से यू सीधा, तो ये साइड इस साइड से मैच नहीं करेगी, तो पहली साइड इसके अंदर मैच नहीं कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से इसके अंदर हमारा सिर्फ ये ऑप्शन सही है, हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा एफ डी ई। हालांकि ट्राइंगल एक ही है, लेकिन इनके नाम लिखने का तरीका कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस तरह से है कि एक साइड दूसरी साइड के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका सिर्फ लॉजिक लगाना है, इसके अंदर सॉल्यूशन इसका लॉजिक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट सेज दैट इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एक्स आर, ये इसमें ऑप्शंस दिए हैं और ये फिगर दिया है। इस फिगर को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि साइड बी सी एंड ए सी आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलीस ट्रायंगल। दूसरी चीज इसके अंदर इक्वल साइड्स है, इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। अब साइड ए सी विच इज 5 सेंटीमीटर, इसके सामने एंगल है 50 डिग्री, और इस 5 सेंटीमीटर की साइड के सामने एक्स प्लस 20 एंगल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अगर इसके सामने 50 डिग्री है तो इसके सामने भी 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल ए दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें सबसे पहले तो पता लग गया कि 50 और 50 यहाँ पर दो जगह आ रहे हैं, 40 तो हो नहीं सकता। अब x की वैल्यू ये x की वैल्यू दी हुई नहीं, यहाँ पर हमें ये फाइंड करनी है, तो यही से फाइंड हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 20, दैट विल गिव यू 2x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमारा 50 और 15 आया, तो हमारा सी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, दो लाइन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसके अंदर। इसमें कहता है इन फिगर एक्स, इन फिगर एक्स इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। ये कोई पॉइंट है यहाँ पर जो इस एबीसीडी स्क्वायर है उसके अंदर है। ए एक्स वाई जेड इज आल्सो ए स्क्वायर, ए एक्स वाई जेड दिस इज आल्सो एन स्क्वायर, इफ डी वाई इज इक्वल टू 3, ये आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसमें 3 सेंटीमीटर दिया है, एंड ए जेड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी वाई, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस इसके अंदर फाइंड करा रहा है। ये इसके अंदर दिया है एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो स्क्वायर है तो इसका 90 डिग्री हो गई, इसी तरह से इसका भी है 90 डिग्री है। अब ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, देयरफॉर दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। अब
ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर भी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गए, चूंकि स्क्वायर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब 2 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक और 3 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, तो ये टोटल यहां से यहां तक हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये 2 सेंटीमीटर है और ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए डी जेड इन ट्राइंगल ए डी जेड पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। फिगर में अगर फिगर में अलग से बना रहा हूं, तो आपका ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया जेड और ये आपका हो गया डी। तो इसके अंदर डी जेड जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गया यहां से यहां तक, और ए जेड इसमें 2 सेंटीमीटर हो गए और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये दो बाकी की साइड हो गई। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ टू साइड्स। तो रेस्ट ऑफ टू साइड ये बची हमारी, तो हमें ये निकालना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 29। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो आपको यहां से लेके यहां तक ये साइड ए डी हाइपोटेन्यूज जो थी इसके अंदर ये वाली ए डी ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इक्वल आ गई। तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 होगी, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 होगी, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 होगी। अब देखिए ए एक्स भी तो स्क्वायर का साइड है, तो ये भी 2 होगा और यहां पर ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा? अब राइट एंगल ट्राइंगल ए एक्स बी में, ए एक्स बी इन ट्राइंगल, इसके अंदर आपका फिगर बना लीजिए, ये हो गया, ये इसमें हाइपोटेन्यूज है चूंकि 90 डिग्री, इसके अपोजिट 29 हो गया। ये आपका ए एक्स यहां पर हो गया आपका, ये पॉइंट ए, ये एक्स, ए एक्स टू और आपका ये पॉइंट हो गया बी यहां पर। तो आपको इसके अंदर एक्स भी फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज इसके अंदर ये 90 डिग्री है, तो ये होगा तो √29 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इज इक्वल टू 2π² + dx² दैट इज 29, ये 4 होगा यहां पर इधर आके -4 = dx² दैट इंप्लाइज dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपकी 5 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक, यहां फिगर में ये आ गई। अब ये साइड में तो 2 होगी क्योंकि स्क्वायर है ए एक्स वाई जेड, तो यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर होगी, तो यहां से लेके यहां तक इस पर 2 सेंटीमीटर और जोड़ दीजिए, तो यहां से लेके यहां तक ये हो गई 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपका आंसर डी सही है। सो इस तरह से ये फिगर दिखने में तो कॉम्प्लेक्स ही लग रही है, लेकिन इसके अंदर 2 बार पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे तो हमारा बी वाई डिस्टेंस निकल जाएगा, बी वाई डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इन विच ही सेज ए बी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलीस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो लेट अस फर्स्ट मेक द ट्राइंगल, सपोज दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी एंड इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इक्वल टू दिस, ठीक। देन ही सेज ए डी इज दिस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स दिस ए डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, that is it means it is each 90 degree. What we have to prove, BD is equal to CD, BD is equal to CD, this is equal to this, we have to prove. To prove, we have to calculate that if BD is equal to DC or BD is greater than CD, this is greater than this, और BD इज लेस देन दिस, ये तीनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे आपके 9th और 10th क्लास के लिए भी,
और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11 के एडमिशन टेस्ट के लिए भी। वैसे तो मैंने आपको आपके प्रॉपर्टीज में बताया था टाइमली की अपने पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियोस में कि कोई भी एल्टीट्यूड अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस डी विल बी द मिड पॉइंट। बट हाउ टू प्रूव इट लॉजिकली, तो कंसीडर कीजिए इसके अंदर दो ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब इसके अंदर में तीन इसके पार्ट, दूसरे ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के तीन पार्ट, इस ट्राइंगल के तीन पार्ट के बराबर प्रूव करना। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल में नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दो एंगल आपस में बराबर है, इस ट्राइंगल का A90, इस ट्राइंगल का A90। तो मैं यहां पे कहूंगा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, दैट इज इक्वल टू राइट एंगल। ये आपने बनाया बाई कंस्ट्रक्शन, यहां पे वो भी दे दीजिए आपने ए डी को इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर इसकी ए बी साइड इस ट्राइंगल की 1 की, इस ट्राइंगल 2 की ए सी साइड के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, क्यों, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस गिवन है। तीसरा आपका ए डी इस ट्राइंगल के अंदर भी है और ए डी इस ट्राइंगल के अंदर भी है, ए डी इज इक्वल टू ए डी यहां पे लिख दीजिए कॉमन। तो इस ट्राइंगल के तीन पार्ट, इस ट्राइंगल के तीन पार्ट के इक्वल हो गए, यहां पे आप लगाइए बाय सी पी सी टी, कॉन्गुरेंट पार्ट्स इक्वल होते हैं, इक्वल पार्ट्स। हम यहां से कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी, यानी कि जब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो हमारा ये यहां से ये प्रूफ आता है, यानी कि इसके अंदर आपका ऑप्शन ए ठीक है, बाकी तीन इसके अंदर गलत है। बी डी सी डी से बड़ा नहीं हो सकता, बी डी सी डी से छोटा नहीं हो सकता, बट इक्वल होगा। और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके अंदर कोई एल्टीट्यूड बनाया जाए तो वो अपोजिट साइड को, जिस ट्राइंगल के भी आप बना रहे हैं, तो वहां पर मिड पॉइंट के ऊपर उसको बाइसेक्ट करेगा, लीविंग इक्वल साइड्स अलोन, अलग छोड़ देगा, इनके ऊपर नहीं, अपोजिट साइड को, इन दोनों लाइन को, दोनों इक्वल साइड्स को छोड़ते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहता है इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट अस मेक फर्स्ट अ ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड नाउ E एंड F आर मिड पॉइंट्स, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। इसलिए सपोज कीजिए इसका मिड पॉइंट यहां पर है आपका E, यहां पर है ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है, राइट। तो अब इसके अंदर BF की बात हो रही है, यानी कि इस साइड की बात हो रही है, दूसरा AF की बात हो रही है, AF तो इसके अंदर ये है आपका, और इसके अंदर दूसरा आपका पॉइंट सी, सी ई की बात हो रही है, यानी कि ये लाइन की बात हो रही है। तो यहां से आप इस पॉइंट को यहां इस तरह से मिला लें ये, और इस साइड को आप यहां पर इस तरह से मिला लें। तो आपके पास यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक बन रहा है ए एफ बी, ट्राइंगल ए एफ बी, और दूसरा ट्राइंगल इसके अंदर बन रहा है आपका ए ई सी। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कंपोनेंट प्रूव करेंगे, तब हमारे इसके अंदर से कोई एक रिजल्ट हमें ड्रॉ होगा। सो सबसे पहली बात तो यह है कि ए ई और ए एफ दोनों आपस में बराबर होंगे, ए ई इज इक्वल टू ए एफ बिकॉज दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स,
मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि इसके अंदर ए बी और ए सी साइड बराबर, ए मिड पॉइंट है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। सो आप देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये और इस ट्राइंगल के अंदर आपका, इस वाले ट्राइंगल के अंदर यहां से ये, एक में ये आ रहा है एक में ये आ रहा है, तो ए एफ बी, ए एफ बी इस ट्राइंगल में ये वाला, और दूसरा ए ई सी, ए ई सी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर यहां पर मैं लिखता हूं ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ये वाला इसके अंदर प्रॉपर्टी लग जाएगी। दूसरा इस ट्राइंगल के अंदर भी ए एफ बी में भी एंगल ए आ रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर भी सी ई ए में भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो यहां पर साइड एंगल साइड के हिसाब से बाय साइड एंगल साइड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल ए एफ बी एंड ट्राइंगल ए ई सी आर कॉन्गुरेंट, ठीक है, इक्वल साइड आ रही है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए भी कॉमन है, साइड भी आपस में इक्वल है, यानी कि अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रखूं तो मैच कर जाएगा मिरर इमेज की तरह, तो कॉन्गुरेंसी है, रेशियो वन है साइड में भी और एंगल में भी। देयरफॉर आई कैन से कि दिस साइड, दिस होल साइड इज इक्वल टू दिस होल साइड। अब ये दो चीजें तो बची यहां पर, सो हम इसके अंदर कह सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू ए सी, यानी कि बी एफ इज इक्वल टू ए सी नहीं ई सी, ये हमारा यहां पर होता है। बाकी बी एफ इज इक्वल टू ए एफ, बी एफ इज इक्वल टू ए एफ ये नहीं हो सकता, सी ई, सी ई इज इक्वल टू ए बी ये भी नहीं हो सकता, बी एफ, बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। यहां पर अगर पहले ए सी लिखा था तो ए सी ही लिखा रहने दीजिए, मैंने चौथा ऑप्शन इसके अंदर नहीं किया, तो ये वाला ऑप्शन ना होकर के इसके अंदर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी एफ इज इक्वल टू सी ई, यानी कि दोनों आपकी जो मिड पॉइंट वाली लाइन है ये भी आपस में इक्वल होंगी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ही सेज इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर हमने ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इसके अंदर ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, और हम इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, या ग्रेटर साइज, ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो हमें यहां पर एंगल सी दिया है और एंगल बी दिया है, और दिया एंगल सी बड़ा है, ये बड़ा है तो इसके सामने ये साइड बिग होगी, और एंगल बी छोटा है इसके सामने स्मॉल होगी, ये चीज हमें पता लगे कि साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखिए बी सी, बी सी साइड ये है हमारी, और ग्रेटर देन ए सी, ए सी हमारा है, चूंकि ये साइड इस एंगल के सामने पड़ती है, हमें नहीं पता है क्या है क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम, तो हम इसकी, इसका रिलेशन इससे या इससे नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, काट दीजिए इसको। दूसरा इसके अंदर दिया है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ए बी हमारा, ए बी, ए बी साइड ये है और ए सी साइड हमारा ये है, तो बिग स्मॉल, ये ए बी इज बिग और ये हो गया हमारा स्मॉल, इसके लिए तो बिग जाहिर सी बात है बड़ा होगा छोटे से, तो ये ऑप्शन हमारे इसके अंदर करेक्ट हो सकता है। बट लेट अस चेक अदर टू, ए बी, ए बी साइड ये है और ए सी साइड स्मॉल ये है, तो ए बी बड़ा छोटे से छोटा कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दूसरा देखिए बी सी लेस देन ए सी, अब बी सी ये है और ए सी आपका ये है, इसमें इसमें हम कोई रिलेशन निकाल ही नहीं सकते,
वो इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इसके साथ एंगल पता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डियर्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ही सेज डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इफ डी इज पैरेलल टू बी सी देन द लेंथ ऑफ डी ई इज, ये ऑप्शंस दे ए 2.5 बी 3 सेंटीमीटर सी 5 सेंटीमीटर डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद हैं ट्रायंगल की तो आप निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल कोई दे दिया है यहां पर ए बी सी और कहता है इसके अंदर ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई है। सपोज कीजिए ये डी है और ये पॉइंट यहां पर ई है, राइट। और ये कहता है कि आपकी बी सी साइड जो है डी ई साइड के पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और इसने दिया है इसके अंदर द लेंथ ऑफ बी सी इज 6 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ये तो मैंने आपको जब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज बताई थी, ये वाला प्रॉपर्टी को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था, आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, उन सभी वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये मिड पॉइंट से खींची गई डी ई लाइन है तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी लेंथ की आधी होगी, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर ये साइड आपस में इक्वल है और ये साइड आपस में इक्वल है प्लस ये साइड बी सी साइड डी ई साइड के पैरेलल है तो डी ई का लेंथ बी सी की लेंथ का आधा होगा, यानी कि लेंथ ऑफ DE is equal to half of length of BC that is equal to 1/2 × 6 that is equal to 3 centimeter। तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। बस आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्या कि DE अगर पैरेलल हो BC के और ये मिड पॉइंट से खींची गई हो तो इसकी लेंथ इसकी डबल होगी या इसकी लेंथ इसकी आधी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ द एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज दिस 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 और दिस, ये हमें निकालना है। तो इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को जब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में, चलिए मैंने आपको अपनी ट्राइंगल 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस में बताया था कि अगर हमें दो ट्राइंगल इस तरह से गिवन हो ए बी सी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और ये दो सिमिलर ट्राइंगल है, पहला ये है दूसरा ये है पी क्यू आर और ये साइड इस साइड से, ये साइड इस साइड से और ये साइड हमारी इस साइड से कॉरेस्पॉन्ड करती है, तब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि बी सी और पी क्यू, यानी कि बी सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, मैंने आपको ये एक फॉर्मूला बताया था, तो इसी का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सपोज कीजिए ये साइड 2 है और ये साइड बड़े ट्राइंगल की 3 है, इसके अंदर स्मॉल का एरिया दे दिया 48 और इसका एरिया हमें सपोज कीजिए ये फाइंड करवा रहा है और ये स्मॉल ए है, तो यहां यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज 48 अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए हमसे फाइंड करवा रहा है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, ये हो गया, निकाल लीजिए इसको। तो ये इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 इंटू 9
अपॉन फोर इज इक्वल टू ए, तो काट दीजिए इसको, दैट इज ए इज इक्वल टू 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन डी ठीक होगा। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर कराए हैं, आप इसी तरीके से अपनी बुक से जो एनसीईआरटी की है उससे प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को फौरन उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।